मैं चैन पुलिंग कर रहा हूँ क्योंकि यात्रा करने बोला है। चलिए चैन पुलिंग ठीक हो गया भाई। और इधर देखिए एस थ्री के साथ एकदम से भीड़े भीड़ लग गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए रेल सफर में। और मैं हूँ इस समय फिलहाल प्राचीनतम शहर वाराणसी में। बाबा भोलेनाथ की नगरी है ये, जिसे काशी के नाम से भी जाना जाता है। और मैं फिलहाल जर्नी करने वाला हूँ वाराणसी सिटी से जोधपुर के बीच में चलने वाली 14865 मरुधर एक्सप्रेस, जो जाएगा रायबरेली प्रतापगढ़ के रास्ते से होते हुए। वैसे तो ये रोज चलता है, लेकिन अलग अलग रास्ते से चलता है और तीन नंबर से चलता है। तो 14853, 14865 और 14863 आज हम जर्नी करने वाले हैं 14865। बाकी जो दो और जाती हैं, एक निहालगढ़ सुल्तानपुर के रास्ते जाती है दोस्तों, और एक अयोध्या के रास्ते जाती है। आज की हमारी जर्नी रायबरेली के रास्ते से होने वाली है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सफर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा। जो मेरे पीछे आप लोग ट्रेन देख रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर एक पे, वो है दोस्तों प्रयागराज रामबाग से हावड़ा के बीच में चलने वाली विभूति एक्सप्रेस। किसी दिन हम उसमें भी जर्नी करके आपको दिखाएंगे, फिलहाल ये मरुधर का कर लेते हैं। वैसे काफ़ी सारी ट्रेनें हैं जो वाराणसी जंक्शन से शिफ्ट कर दिए, जैसे कि बनारस शिफ्ट कर दिया गया है, शिवगंगा को, काशी एक्सप्रेस को, कमायनी को, और भी सारी ट्रेनें हैं। और सिटी पे शिफ्ट कर दिया गया है अपनी मरुधर कृषक, ताकि यहाँ पे भीड़ थोड़ा कम बना रहे और मेंटेनेंस ज़्यादा अच्छा हो सके। और आज की जर्नी हमारी जो है मरुधर एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में होने वाली है। तो चलिए स्लीपर का आनंद लेते हैं आज। WAG9 के साथ आ रही है अपनी ये मरुधर एक्सप्रेस। और जनरल में बैठने वालों की भीड़ काफी है। जो कोच है हमारी S5 सीट नंबर 33 है। चलिए देखते हैं लोअर बर्थ है कि अपर बर्थ है कि मिडिल बर्थ है। S5, चलिए इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं। 33 पे चलते हैं। S5 33, आ जाओ भाई। तो ये सीट है भाई लोअर अपनी 33 नंबर, ये देखिए 33 है सीट नंबर, लोअर है अपनी और S5 में है। आज की जर्नी हमारी स्लीपर में होने वाली है, चलिए काफी मजा आने वाला है। चलिए दोस्तों, हमारे ट्रेन का डिपार्चर सिग्नल हो चुका है और धीरे धीरे हमारी ट्रेन चल पड़ी है। चलिए एक सफर की शुरुआत करते हैं हम लोग इस वाराणसी जंक्शन से। आइए भाई। वैसे तो यहाँ 9 प्लेटफॉर्म है, काफी प्लेटफॉर्म अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, जिसके प्लेटफॉर्म नंबर 5 से चल रही अपनी मरुधर एक्सप्रेस। 6:15 का वैसे तो डिपार्चर टाइम है, लेकिन 6:30 हो चुका है। फरक्का का अनाउंसमेंट कर रहा है और हम निकल रहे हैं यहाँ से। वो है दुर्ग नौतनवा एक्सप्रेस। मैं चैन पुलिंग कर रहा हूँ क्योंकि यात्रा करने बोला है। चलिए देखते हैं क्यों चैन पुलिंग करवाया गया है। चलिए चैन पुलिंग ठीक हो गया भाई। चलिए दोस्तों आप चलते हैं। पहली बार लाइफ में चैन पुलिंग किया मैंने, वो भी सर ने बोला, तो आप ऐसे कभी मत करिएगा।
तो भाई भदोही पहुंच रही हमारी ट्रेन। छोटे छोटे बच्चे दौड़ रहे हैं। यहाँ भी काफी पैसेंजर है इस ट्रेन के लिए। तो भाई 40 किलोमीटर की जर्नी कवर करके अब जो हमारी ट्रेन है मरुधर एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपनी जर्नी के पहले हॉल्ट भदोही, जहाँ पे है दो प्लेटफॉर्म, जिसके प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे ही लगी हमारी ट्रेन और इसका स्टेशन कोड बताया आपको BOY है इसका स्टेशन कोड। चलिए बनारस निकल गया, भदोही निकल गया, आप देखते हैं हमारी ट्रेन का क्या हाल है, कंडीशन है। सबसे ज्यादा वैसे तो लग रहा है मेरी सीट पे भीड़ है भाई, थोड़ा कम है भैया पैर का। ये तो लगभग 1200 किलोमीटर का ये जर्नी कवर करता है दोस्तों, कवर करने में लग जाता है 24 घंटे। चलिए माता जी खाना खा रही हैं, उनको खाना खाने देते हैं। हमने खोल दिया इसको सीट को, ये देखिए और मेड़ गया था। वैसे ये मिडिल वाला सीट इनका है, इनका भैया का। चाय लिए काफी जिम्मेदारियां होती है भाई। जैसे देखिए ये आंटी जी लेके जा रही है अपने बच्चों को बाथरूम में। प्रतापगढ़ जंक्शन पहुंच रही है दोस्तों हमारी ट्रेन। काफी साइलेंट रेलवे स्टेशन लग रहा है वैसे तो, और यहाँ अंधेरे में कुछ सवारी खड़े हैं इसके। भाई शांत रेलवे स्टेशन नहीं है, मैं ही बहुत पीछे देख रहा था, असली पैसेंजर तो यहाँ पे है। देखिए काफी भीड़ होने वाली हमारी इस ट्रेन में। यहाँ से होने वाला है फुल पैक। दौड़िए थोड़ा अपने अपने कोच के हिसाब से। तो भाई 131 किलोमीटर की जर्नी कवर करके अब हम आ चुके हैं यूपी के एक जिले जो है प्रतापगढ़। इसका स्टेशन कोड है PBH और रेलवे के हिसाब से हम आते हैं इसके नॉर्दर्न रेलवे जोन में। इसका डिवीजन है प्रयागराज। और जंक्शन पॉइंट क्यों है, क्योंकि आते वक्त मैंने एक लाइन देखा था, वैसे आपको दिखा नहीं पाए, एक लाइन जाती यहाँ से प्रयागराज की तरफ। और प्रतापगढ़ से भी एक ट्रेन चलती है भोपाल के लिए, भोपाल एक्सप्रेस। अभी तक तो काफी सही चला है हमारे ट्रेन ने, लेट नहीं है बिल्कुल भी। चलिए सिग्नल भी हो चुका है, हम चलिए फिर से चलते हैं अपनी कोच के पास और लेट जाते हैं जैसे हम पहले लेटे हुए थे। और ये चार्जिंग है, कहाँ गया, इसको भी लगा ही लेते हैं क्योंकि बैटरी इसका बहुत लो हो चुका है भाई। चलिए डिपार्चर हो गया हमारा और ये दौड़ते दौड़ते क्या गिरा दिए, दौड़ के ट्रेन पकड़ रहे हैं भाई साहब। तो भाई लखनऊ अराइवल हो रहा है हमारे ट्रेन का। देखिए
रात के करीब 1 बजे काफी लोग हैं यहाँ पे चढ़ने के लिए। और इधर देखिए इस तरीके से एकदम से भीड़े भीड़ लग गया है। ये रही अपनी मरुधर एक्सप्रेस और इधर लगा है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आनंद विहार से नहर लगुन के बीच में चलने वाली अरुणाचल एसी एक्सप्रेस। मुस्कुराइए आप लखनऊ में। जी हाँ दोस्तों, बनारस से चल के 300 किलोमीटर की जर्नी सफर करके अब हमारे ट्रेन मरुधर एक्सप्रेस पहुंच चुके हैं लखनऊ, नवाबों की शहर लखनऊ NR। रात के करीब 1 बज रहे हैं दोस्तों और हम आ चुके हैं 300 किलोमीटर की जर्नी सफर करके लखनऊ। बस हमारी जर्नी यहीं तक क्लियर थी। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये मरुधर एक्सप्रेस की जर्नी छोटी सी स्लीपर की काफी पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं किसी नई जर्नी में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।